Saga English Classes. Good morning, students. I am Sagar Raj. Today we shall study Chapter 2, A Letter to God, written by G.L. Funes. At first, we read the lesson. पहले हम पाठ को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी शैल राइट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन. उसके बाद हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे एंड फर्स्ट वी शैल राइट सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी शैल राइट सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड यू विल नोट डाउन देम इन योर नोटबुक एंड स्टडी देम प्रॉपरली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. पहले आप उनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद अच्छी प्रकार से बोर्ड परीक्षा के लिए आपको उन्हें तैयार करना पड़ेगा जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स एज यू कैन सी दिस इज चैप्टर सेकेंड ए लेटर टू गॉड. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है लेसन नंबर 2 है लेटर टू गॉड भगवान के लिए पत्र. इसको राइट किया गया है जीएल फ्यून्स के द्वारा. जीएल फ्यून्स ने इसे लिखा है. सो वी स्टार्ट अवर टॉपिक पैराग्राफ 1. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. द हाउस यानी घर ओनली वन केवल एक इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में. संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था एक लौता घर था जो सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. सैट माने स्थित था. ऑन मतलब पर. क्रेस्ट मतलब होता है चोटी. ऑफ माने की और लो माने नीची. हिल माने पहाड़ी जो कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. वह घर पूरी घाटी में अकेला ही घर था. फ्रॉम हिज हाइट यानी उसकी ऊंचाई से किसकी उसी चोटी की. वन कुड सी द रिवर. वन मतलब कोई व्यक्ति. कुड सी मतलब देख सकता था. रिवर मतलब नदियों को. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. एंड मतलब और फील्ड माने खेत. ऑफ द राइप कॉर्न पकी हुई फसल के. जो डॉटेड मतलब भरे हुए थे विद फ्लावर्स यानी फूलों से. खेत किससे भरे थे फसलों से और फसलों में क्या था फूल आया हुआ था. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. दैट मतलब जो कि ऑलवेज मीन्स हमेशा. प्रोमिस्ड माने वादा करते थे. गुड माने अच्छी. क्रॉप हार्वेस्ट मीन्स फसल जो कि एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड. ओनली थिंग केवल एक ही चीज़ की. अर्थ माने पृथ्वी को. नीडेड माने आवश्यकता थी. जमीन को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी और वो क्या थी. वाज ए डाउन प्योर आर एट लीस्ट ए सावर. वाज मतलब थी. ये डाउन प्योर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश या एटलीस्ट माने कम से कम है. सावर माने बौछार. उस समय पृथ्वी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो या तो मूसलाधार बारिश हो जाती या हल्की फुल्की बौछार ही चल जाती. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड सेंटिमेंटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. थ्रू आउट का मतलब होता है से. मॉर्निंग माने सुबह यानी सुबह से. लेंचो मतलब लेंचो ने. हु माने जो. न्यू माने जानता था. हिज माने अपने. फील्ड्स माने खेतों को. अल्टीमेट इंटीमेटली माने घनिष्ठ रूप से. लेंचो ने जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था उसने सुबह से. हैड डन माने किया था. नथिंग माने कुछ भी नहीं. एल्स माने दूसरा काम. उसने सुबह से कोई दूसरा काम नहीं किया था. बट मतलब बल्कि. सीन माने देखता था. स्काई माने आकाश की ओर और टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ माने उत्तर. ईस्ट माने पूर्व यानी पूर्वोत्तर के आकाश की ओर केवल देख रहा था और उसने सुबह से लेकर अपने खेतों में कुछ भी नहीं किया था. नेक्स्ट पैराग्राफ 2. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. नाउ मतलब अब. वी मतलब हम. आर रियली माने वास्तव में. गोइंग माने जा रहे हैं. टू गेट माने पाने. सम माने कुछ. वाटर मतलब जल या पानी. वुमेन माने स्त्री. लेंचो ने अपनी स्त्री से कहा अब शायद हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है. तो वो महिला क्या बोलती है. ओमेन क्या बोलती है. द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग.
द ओमेन यानी वह स्त्री हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी, सुपर माने रात्रि का भोजन। उसने रिप्लाइड माने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, यस माने हाँ, गॉड्स माने ईश्वर की, विलिंग माने इच्छा से, हाँ ईश्वर की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के, वेयर वर्किंग माने काम कर रहे थे, इन द फील्ड माने खेत में, बड़े लड़के जो थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, बल्कि सॉरी वाइल माने जबकि, स्मॉलर वंस जो छोटे लड़के थे, वेयर प्लेइंग माने खेल रहे थे, नियर माने पास, हाउस माने घर के, जबकि छोटे लड़के जो थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अनटिल माने तक, ओमेन माने महिला ने, कॉल्ड माने पुकारा, देम माने उन, ऑल माने सभी को, तभी उस महिला ने उन सभी को पुकारा, कम फॉर डिनर, कम माने आ जाओ, फॉर डिनर माने रात्रि का भोजन करने के लिए, तभी महिला ने पुकारा कि सभी लोग रात्रि का भोजन करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, इट माने यह, वाज माने था, ड्यूरिंग माने दौरान, मील माने भोजन का समय, भोजन के समय के दौरान ही, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो माने लेंचो ने, एज माने जैसा कि, हैड प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी प्रकार भोजन के दौरान ही, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स माने बूंदे, ऑफ रेन माने वर्षा की, बिगेन माने शुरू हो गई, टू फॉल माने गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ माने उत्तर और ईस्ट माने पूर्व यानी पूर्वोत्तर की दिशा में, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन्स माने पहाड़, ऑफ क्लाउड्स माने बादलों के, कुड बी सीन माने देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने उमड़ते हुए, पूर्वोत्तर की दिशा में बादलों के विशाल पहाड़ उमड़ते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, एयर माने हवा, वाज माने थी, फ्रेश माने ताजी, एंड स्वीट माने मधुर यानी मीठी, हवा ताजी और ठंडी लग रही थी अर्थात मीठी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मैन माने आदमी अर्थात लेंचो, वेंट आउट माने बाहर गया, अपने घर से बाहर निकला, फार माने के लिए, नो माने नहीं, अदर माने दूसरा, रीजन माने कारण, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन मतलब बल्कि, टू हैव माने लेने के लिए, प्लीजर माने आनंद, ऑफ फीलिंग माने एहसास करना, द रैन माने वर्षा या फीलिंग माने अनुभव करना, रैन माने वर्षा, ऑन हिज बॉडी यानी अपने शरीर पर, लेंचो घर से बाहर केवल इसलिए निकला जिससे कि वह अपने शरीर पर वर्षा का आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एंड माने और, व्हेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न्ड माने लौटा, तो ही माने उसने एक्सक्लेम्ड आश्चर्य के साथ कहा, क्या कहा, इट्स थर्ड पैराग्राफ, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, क्या उसने बोला कि दीज माने ये, आर नॉट माने नहीं है, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही है वर्षा की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, कहे नए नए सिक्के गिर रहे हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, कहा जो बिग ड्रॉप्स हैं बड़ी बूंदें वो 10 सेंट पीसेस 10 पैसे 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो लिटिल यानी छोटी बूंदें हैं आर फाइव्स वो क्या हैं, 5 सेंट के सिक्के हैं। फोर्थ पैराग्राफ, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद माने साथ, सेटिस्फाइड माने संतुष्टि के, एक्सप्रेशन माने भाव यानी संतुष्टि के भाव के साथ, ही माने उसने, रिगार्डेड माने देखा, फील्ड माने खेत को, ऑफ राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल के, विद इट्स फ्लावर्स यानी इसके फूलों के साथ, यानी एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ उसने अर्थात लेंचो ने अपने फूलों वाली पकी फसल के ओर देखा, जो ड्राइव्ड माने ढक गई थी, एक कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन माने होता है पर्दा, ऑफ रेन माने वर्षा, जो कि वर्षा के पर्दे से बिल्कुल ढक गई थी। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, बट मतलब लेकिन, सडनली माने अचानक, स्ट्रांग माने तेज, विंड माने हवा, बिगेन टू ब्लो बहने लगी या चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टॉन्स बिगेन टू फॉल, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े हैलस्टोन्स माने ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे, क्या हुआ, वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे,
अब दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिसेम्बल माने प्रतीत होते थे, न्यू माने नए, सिल्वर माने चांदी के, कॉइन्स माने सिक्के, और ये देखने में बिल्कुल चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स। द बॉयज माने लड़के, एक्सपोजिंग माने ले गए, देमसेल्व्स माने खुद को, टू द रैन माने वर्षा के, वर्षा में, और रैन आउट माने दौड़ दौड़ करके, कलेक्ट माने एकत्र करने के लिए, फ्रोजन माने जमी हुई, पर्ल्स माने मोतियों को, वही जो बर्फ की जो है पत्थर गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, जहाँ गिरते थे वहीं जम जा रहे थे, तो उस जमी हुई बर्फ को जो है एकत्र करने के लिए वे जा रहे थे, क्योंकि जो ओले होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पानी से जमे हुए होते हैं, तो उन्हीं जमी हुई मोतियों को जो है वो एकत्र करने के लिए लड़के वर्षा में अपने आप को ले गए, यानी वर्षा की ओर निकल गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, यानी लेंचो ने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली, रियली माने वास्तव में, गेटिंग बैड माने बुरा हो रहा है, नाउ माने अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, यह जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हाइल रैंड, ओले बरसे, ऑन द हाउस, घर पर, गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, कॉर्नफील्ड फसल वाले खेतों में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में बरसे, द फील्ड वाज व्हाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, एज इफ मतलब जैसे कि, कवर्ड मतलब ढक गया हो, विद साल्ट माने नमक से, ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट माने नहीं, ए लीफ माने एक भी पत्ती, रिमेंड माने बची, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न माने फसल, वाज टोटली माने पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गई, लेंचों की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्राम द प्लांट्स, फ्लावर्स माने फूल, वेयर गॉन माने जा चुके थे, फ्राम द प्लांट्स माने पौधों से, पौधों से फूल भी जा चुका था। लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचोज सॉल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड माने भर गई, विद सैडनेस माने दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही माने वह, स्टूड माने खड़ा हो गया, इन द मिडल माने बीच में या मध्य में, ऑफ द फील्ड माने खेत के, जब वर्षा समाप्त हो गई, ओले गिरना बंद हो गया, यानी ये सब सारा तूफान थम गया, तो वह खेत के मध्य में या बीच में खड़ा हो गया। एंड साइड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा, पैराग्राफ फाइव है, ए प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, प्लग का मतलब होता है दल, ऑफ लोकस्ट माने टिड्डों का, टिड्डों का दल, वुड हैव लेफ्ट माने छोड़ देता, मोर माने अधिक, देन दिस माने इससे, का जो फसल का नुकसान हुआ है, इस नुकसान से कहीं अधिक, तो टिड्डों का दल छोड़ जाता है, अगर टिड्डी लग जाए खेत में, कीड़ा लग जाए फसल में, तो वो भी कुछ थोड़ी बहुत फसल छोड़ जाता है, कितना भी खाए लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फसल रह जाती है। लेकिन क्या हुआ, द हैल हैज लेफ्ट नथिंग, हैल माने ओलो ने, हैज लेफ्ट माने छोड़ा, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस वर्ष, वी माने हमारे, विल हैव माने पास होगी, नो माने नहीं, कॉर्न माने फसल, इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, दैट नाइट माने वह रात, वाज माने थी, ये सारोफुल वन माने दुख की रात, वह रात एक दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमने जो अपना पूरा वर्क किया, हमने अपना पूरी जो मेहनत की, फॉर नथिंग, उसका परिणाम क्या मिला, नथिंग, कुछ भी नहीं, यानी हमारी पूरी मेहनत बेकार गई। देयर्स नो वन, कोई ऐसा है भी नहीं, हु माने जो, कैन हेल्प माने मदद कर सके, अस माने हमारी, कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी माने हम, विल गो माने जाएंगे, हंग्री मतलब भूखे रहना, यानी हम सब भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर माने इस वर्ष, इस वर्ष हम लोगों को भूखे ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ द ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट माने लेकिन, इन द हार्ट्स माने दिलों में, ऑफ ऑल माने उन सभी के, हु माने जो, लिव्ड माने रहते थे, इन दैट माने उस सॉलिटरी माने एकमात्र हाउस माने घर में, इन द मिडल माने बीच में, ऑफ द वैली माने घाटी के, यानी उस घाटी के मध्य में, एकमात्र घर में जितने भी लोग रहते थे,
उन सभी के दिलों में देयर वाजे सिंगल हाफ, देयर वाज माने थी सिंगल माने एकमात्र, हाफ माने आशा, और वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प माने मदद मिलेगी, फ्रॉम माने से, गॉड माने ईश्वर से। वे लोग ये सोचते थे कि मुझे ईश्वर से तो जरूर ही जरूर मदद मिलेगी, ईश्वर मेरी मदद जरूर करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, इवन दो दिस सेम्स, भले ही दिस सेम्स ऐसा प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस, जैसे कि हमारी टोटल लॉस, पूर्ण नुकसान हो चुका है, हमारी पूरी जो है हानि हो चुकी है। लेकिन रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन माने कोई नहीं, डाइज माने मरता है, ऑफ हंगर माने भूख से, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, दे से का मतलब वे लोग, वे मतलब सभी लोग, जैसा कि वे लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन माने कोई नहीं, और डाइज माने मरता है, हंगर माने भूख से, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन हाफ, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो माने लेंचो थॉट माने सोचता रहा, ओनली माने केवल, ऑफ इज माने अपनी, वन हाफ यानी एक आशा, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में ही पूरी रात सोचता रहा, और वो आशा क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें यानी ईश्वर की आंखें, आइज माने जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ही माने उसने, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड माने निर्देश दिया था, सी माने देखती हैं, एवरीथिंग माने सब कुछ, जैसा कि लेंचो ने निर्देश दिया है कि जो गॉड की आइज हैं, भगवान की आंखें जो हैं, वो सी माने देखती हैं, एवरीथिंग माने सब कुछ, इवन माने भले ही, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, व्हाट माने जो चीज, इज माने है, डीप माने गहराई में, इन वंस माने किसी व्यक्ति के कॉन्शियंस माने अंतरात्मा, भले ही कोई चीज किसी व्यक्ति की अंतरात्मा में ही क्यों ना छिपा रही, छिपाई रखी हो, फिर भी भगवान उस चीज को देखता है। लेंचो वाज ए नॉक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक सांड के जैसा व्यक्ति था, सांड के जैसा व्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता हो। देखो आगे लिखा भी गया है कि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो वर्किंग माने काम करता था, लाइक एन एनिमल यानी एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स माने खेतों में, लेंचो एक सांड के जैसा व्यक्ति था, जो हट्टा कट्टा था, ताकतवर था, और खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट माने लेकिन, स्टिल माने फिर भी, ही माने वह, न्यू माने जानता था, हाउ टू राइट लिखा कैसे जाता है, अर्थात फिर भी वह जानता था कि लिखना कैसे जो है, लिखना कैसे पड़ता है या कैसे लिखा जाता है, उसको पता था। द फॉलोइंग संडे, अगला रविवार, एट डे ब्रेक, ऊषा काल या प्रातः काल, ही माने उसने, बिगेन माने शुरू किया, टू राइट माने लिखना, लेटर माने पत्र, विच माने जिसे, ही माने उसने, हिमसेल्फ माने स्वयं, वुड कैरी माने ले जाकर, टाउन माने नगर में या कह सकते हो शहर में, एंड प्लेस माने डाल देना, इन द मेल माने पत्र पेटिका में, जिसे वह स्वयं नगर में यानी शहर को ले गया और पत्र पेटिका में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट माने यह, वाज माने था, नथिंग माने कुछ भी नहीं, लेस माने कम, देन माने से, लेटर माने पत्र, टू गॉड माने भगवान के लिए, और यह पत्र भगवान के लिए पत्र से कम नहीं था। क्या लिखा था लेंचो ने उस पत्र में, गॉड, हे भगवान, ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ माने यदि, यू माने आपने, डोंट माने नहीं, हेल्प माने मदद की, मी माने मेरी, हे भगवान, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर माने इस वर्ष, हे भगवान, यदि आपने मेरी मदद इस बार नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोस, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, 100 पीसोस, 100 पैसे की, इन ऑर्डर माने के लिए, टू सो, सो माने होता है बोना, माई फील्ड माने अपने खेत को, अगेन माने दोबारा, यानी अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीवन यापन करने के लिए, अंटिल माने तक, क्रॉप माने फसल, कम माने आ जाना, जब तक फसल आ ना जाए अगली, तब तक जीवन यापन करने के लिए और अगली फसल को बोने के लिए, आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, बिकॉज द हाई स्टॉम्स, बिकॉज माने क्योंकि, हाई स्टॉम्स माने ओलों ने, क्योंकि ओलों ने मेरा, आगे डाटा डाट लिखा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ओलों ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है। सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, एंड वी शैल स्टडी रेस्ट फॉर नेक्स्ट डे, हम जो रेस्ट मैंने बचा हुआ, अभी आपका जो लेसन बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट डे जो है रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर जो है आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे इसी से संबंधित,
और आपको उनके उत्तर देने पड़ेंगे। और ध्यान रखना कि इस वीडियो के दौरान आपको जो है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको जो है व्हाट्सएप पर ही कमेंट के माध्यम से देने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।